Hello, my dear. Today, in RK Simple Classes, you are welcome. Today, I am going to teach you Class 12th English. Book name is Flamingo. Flamingo is the name of the book, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे. और इसमें एक poem जो इस session के लिए है, last poem है. और तो मैंने poems पढ़ाया है, but for this session, and poem name is, lesson name is Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tigers. And writer या poet name is Adrienne Rich. Adrienne Rich से आप लोग familiar हैं, ये आपके लिए new नहीं है, because ये आप इनको जानते हैं, Adrienne Rich को, क्योंकि 10th class में आपने इनकी एक poem पढ़ा है, The Trees. द ट्रीज के बारे में आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है, तो आप इनको अच्छे से जानते हैं. बहुत ही मशहूर पोएट है, एनिसेस्ट है एंड फेमिनिस्ट है. फेमिनिस्ट वो होती है जो स्त्रियों के बारे में बात करती हैं, स्त्रीवादी हैं. फेमिनिस्ट हैं माने फीमेल से रिलेटेड इश्यूज को ये उठाती हैं. और जैसे आपने ट्रीज में भी देखा था, द ट्रीज में, वैसा ही कुछ यहाँ पर है आंट जेनिफर्स में. वेरी फेमस अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट. इतना तो इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो गया अबाउट द पोएटेस एड्रियन रिच. इनका फुल नाम है एड्रियन सेसिल रिच. ओके, शी इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. 20th हाफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड वाइडली रेड, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पोएट में इनका नाम शुमार किया जाता है. सी इज काउंटेड. इनको आप जानते रहिएगा. एंड बहुत सारे इन्होंने वर्क्स लिखे हैं. इन 1896 में एड्रियन रिच वन द फर्स्ट रूथ लैली पोएट्री प्राइज. याद रखिएगा, रूथ लीली पोएट्री प्राइज, जिसके उस समय प्राइस अमाउंट था $25,000, और व्हिच वाज बिलीव्ड टू बी द लार्जेस्ट गिवन टू यूएस पोएट्स. और जो माना जाता था कि किसी यूएस पोएट को सबसे बड़ी माने राशि थी जो दी गई थी, तो इसको एड्रियन रिच ने विन किया था. प्रेजेंटली पोएम जो हमारे सामने है, जो हमारे कोर्स में है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कोर्स फॉर एनसीईआरटी एंड यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, यू नो, फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स अप टू द क्लास 12th, एनसीईआरटी बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन आवर यूपी बोर्ड स्कूल्स. द लिटिल इंट्रोडक्शन आपको पोएम के बारे में दे दे. हाउ इज द पोएम, व्हाट इज द पोएम. पोएम में तो जान लीजिए फीमेल के बारे में है, फीमेल इशू को ही उठाती है, लेडी प्रॉब्लम्स को ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है. अ पोएम ऑफ 12 लाइन्स, दिस इज अ पोएम ऑफ 12 लाइन्स, आंट जेनिफर टाइगर्स. ठीक है, आंट जेनिफर के बाग टाइगर्स जो भी हैं. 3 स्टैंजा में पोएम राइट की गई है. ईच स्टैंजा हैज 4 लाइन्स, हर स्टैंजा में 4 लाइन्स है. इसके कुछ वोकैबुलरी हैं जो आपके एनहांस करेंगे, आपके वोकैब्स को स्ट्रांग करेंगे, आपकी इंग्लिश को स्ट्रांग करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको बता ही देते हैं आपको. जैसे इसमें है प्रांस. प्रांस माने होता है उछलना कूदना, इसको हम लोग कहेंगे जंप ओवर. स्क्रीन, कैनवास, पर्दा, आवरण. ब्राइट, शाइनिंग, चमकदार. डेनिजेंस माने होता है निवासी, ड्वेलर्स. एंड वर्ड ऑफ ग्रीन्स माने ग्रीन फॉरेस्ट, एकदम फॉरेस्ट फुल ऑफ ग्रीनरी. पेस माने होता है रन फास्ट, तेजी से दौड़ना. सर्टेनिटी माने होता है विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ. फ्लटरिंग, फ्लटरिंग माने होता है ट्रेमलिंग, कांपना, किसी चीज का हिलना, कांपना, फ्लटरिंग. आइवरी माने मेड ऑफ आइवरी, हाथ की जो, हाथी की जो दांत की बनी हुई चीजें होती हैं उनको आइवरी कहते हैं. ठीक है, तो जो हाथी के दांत टस्क होते हैं, निकले होते हैं, तो उनको इसी से हाथी को, एलिफेंट को एक इंग्लिश टस्कर भी होती. मैसिव माने होता भारी, बहुत भारी चीज को मैसिव कहा जाता है. बैंड माने बंधन, बाउंडेशन. टेरिफाइड माने सैक्रेट, थ्रेटेंड.
पैनल माने होता बोर्ड या स्क्रीन, कैनवास, पर्दा, आवरण। जैसे सेक्शन में कहीं पर हम कुछ चीज बना रहे हैं तो उसको पैनल कह सकते हैं। ऑडियंस माने होता कठिन परीक्षा या हॉरिफिक एक्सपीरियंस, किसी चीज का बहुत बुरा अनुभव, ऑडियंस। एंड स्टिल माने तब भी, इवन देन। अनअफ्रेड माने होता फियरलेस। टोपाज माने एक येलो प्रीसस स्टोन है, पीले कलर का हल्का, जिसको पुखराज कहते हैं हिंदी में, एक पत्थर है। एंड स्लीक माने सुंदर, एलिगेंट। शिवालरिक माने होता है विद गैलेंट्री, बहादुरी के साथ, विद गैलेंट्री। एंड पुल माने होता है खींचना किसी चीज को, जब हम खींचे। ये इसमें वकैब्स हैं जो आप जान सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट और दिस पोएम जिसको मैं आपको टीच करने चल रहा हूँ। तो मैं फाइनली ये बता दूँ कि दिस इज अ पोएम। यहाँ पर एक वुमन है और ये वुमन जो है आंट जेनिफर है। आंट जेनिफर इज नॉट एन रियल वुमन, ये आंट जेनिफर मे बी इमेजिनेटिव वुमन, एक इमेजिनेटिव वुमन भी हो सकती है जो ऑल द वीमेन ऑफ द वर्ल्ड को सिंबल कर रही, सिंबलाइज कर रही हैं, या सबको ये सिंबल के रूप में सिंबलाइज करती हैं। सारी दुनिया की औरतों की कहानी ये बता रही हैं। आंट जेनिफर के जरिए हमारी पोएट एड्रीन रिच दुनिया भर की औरतों की स्टोरी को कहीं ना कहीं शो करने की, उनकी प्लाइट कंडीशन, उनकी प्लाइट होता ही है बैड कंडीशन, उनकी प्लाइट को शो कर रही हैं। इसमें एक औरत है, एक वुमन है जिसका नाम आंट जेनिफर है और वो किसी कैनवास पर, स्क्रीन पर टाइगर्स को डिस्प्ले करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है। जैसे होता है ना पर्दे पर सुई धागे से किसी चित्र को उकेरना, बनाना, तो उसी को एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, कढ़ाई उढ़ाई करना। तो कढ़ाई करती हैं, उसी को दिखाया गया, उसी के बारे में बताया गया, उसी के जरिए। और कौन से एनिमल का फिगर बनाती हैं, तो दैट इज टाइगर्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया आंट जेनिफर्स टाइगर्स। हालांकि वो अपने लाइफ में टाइगर जैसा नहीं जी, एक बहुत विद गैलेंट्री सी डिडंट लिव हर लाइफ, लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उस पर टाइगर्स उकेर रही हैं। तो इसमें एक ये सिंबॉलिक है। लेट अस स्टार्ट। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. ये first four lines है, first stanza है, जिसमें कह रहे हैं आंट जेनिफर टाइगर्स ना बहुत प्रांस कर रहे हैं, एकदम उछल कूद रहे हैं, मतलब वो आराम से नहीं है। They are just jumping, they are just dancing, they are just moving. और moving कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन फॉरेस्ट में, जैसे ब्राइट टोपाज की तरह दे आर शाइनिंग, दे आर लुकिंग वेरी फाइन लाइक ब्राइट टोपाज डेनिजन ड्वेलर्स। वो ड्वेलर्स हैं ग्रीन फॉरेस्ट के, और कैसे दे आर शाइनिंग, दे आर लुकिंग वेरी फाइन लाइक ब्राइट टोपाज। मैंने कहा ना बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेशस स्टोन होता है, बहुमूल्य स्टोन होता है टोपास। दे डू नॉट फियर, वो डर नहीं रहे हैं, दे डू नॉट फियर डरना। द मैन बीनीथ द ट्री, ट्री के नीचे जो आदमी लोग बैठे हैं उनको देख करके वो टाइगर्स जरा से भी नहीं डर रहे हैं। दे आर जस्ट डूइंग, दे आर जंपिंग, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ। अब देखो यहां मेल और फीमेल का एक, जैसे कि हमारी मेल से फीमेल डरती है, मेल डोमिनेटेड फैमिली में फीमेल्स को बात बात पर इंसल्ट किया जाता है, बात बात पर उनको मतलब नीचे दिखाने कोशिश की जाती है। तो इसी चीज को दिखा रहे हैं कि हाँ उनके टाइगर्स जो है ना, ये जैसे उनकी एक इनर फीलिंग्स है, इनर फीलिंग्स ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर मैंने बताया दैट इज द सिंबॉलिक ऑफ ईच एंड एवरी वुमन ऑफ द वर्ल्ड, हर औरत के ये प्रतीक है आंट जेनिफर। कोई भी आंट जेनिफर हो सकता है, एनी वुमन इन द वर्ल्ड दैट इज सफरिंग
अंडर द मेल डोमिनेंस, अंडर द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी फैमिली, दैट कैन बी अनजेंफर. दैट्स वाई दे आर नॉट फियरिंग, दे डू नॉट फियर, दे हैव, दे आर नॉट अफ्रेड टू सी द मैन हु आर सिटिंग जस्ट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे. बट टाइगर्स जरा सभी नहीं डर रहे हैं. दे पेस इन स्लीक सिवालरिक सर्टेनिटी, पूरी सर्टेनिटी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो मूव कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, माने वहां पर जंपिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ, आंट जैनफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, वूल एंड पुल. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Band, hand. Abhirami is poem ki batate hain. Aunt Jennifer's fingers, matlab itna unko torture kiya gaya hai, itna unko insult kiya gaya, itna unko matlab ek tarah se beat kiya gaya hai. In the family, uncle ne unko itna beat kiya hai ki now her fingers are powerless. इतनी पावरलेस है, इतनी कमजोर हो गई हैं द फिंगर्स ऑफ आंट जैनिफर कि सोचिए एक सुई तक वो नहीं उठा पा रही हैं. उसको उठाने में हर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग फ्लटरिंग फ्लटरिंग, भैया कांप रहे हैं, उनके हाथ ना कांप रहे. लिख रहा है राइटर, राइटर यहां पर राइट कर रही है कि आंट जैनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं. हर हैंड्स आर Find even the ivory needle hard to pull. Find even the ivory. Ivory, सोचिए ivory जो needle है, needle किसकी बनी है? Ivory की. वैसे मैं आपसे promise करता हूँ कि ivory की चीजें मत use करिए, because they are made of elephant की जो skin है या उसकी bones है उससे बनाई जाती हैं, उनके teeth से बनाई जाती हैं. तो please इससे थोड़ा बचिएगा. बट यहां पर है, कहने का मतलब है कि आइवरी की जो चीजें हैं ना यार, वो माने सुई तक उनके हाथ से नहीं खींच पा रही हैं, इतने वीक हो गए हैं उनके हैंड्स. और आंट जैनिफर ये मेल डोमिनेटेड फैमिली में सोसाइटी में बता रहे हैं कि एक औरत की दशा प्लाइट क्या होती है. बैड कंडीशन ऑफ ए वुमन इज डिस्क्राइब्ड बाई एड्रिन रिच. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, फिर कह रहे हैं वो भारी, मतलब जब से अंकल के साथ इनकी मैरिज हुई है ना, सी इज मैरिड विद अंकल. वेडिंग बैंड स्टिल सिट्स हैवली अपॉन आंट जैनफर्स हैंड, सिट्स हैवली अपॉन, आज भी उस भारी भरकम रिश्ते को निभा रही हैं और सह रही हैं. सी इज वियरिंग, सी इज टॉलरेटिंग उस वेडिंग बैंड को, जो एक बंधन है शादी का ना, एक जब एक औरत किसी शादी के बंधन में बंधती है तो अपना सब कुछ खो देती है. कहीं ना कहीं इस पोएम में आप पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, औरत के टू एस्पेक्ट्स, टू फॉर्म्स का. एक औरत जो फ्री होती है, फियरलेस होती है और एकदम फ्रीडम से जिंदगी अपनी जीती है, कब? बिफोर मैरिज. वही आफ्टर मैरिज शादी के बंधन में यूं फंसती है, यूं हो जाती है कि वो अपनी सारी फ्रीडम को लूज कर देती है, अपने सारी लिबर्टी को लूज कर देती है. दिस इज ऑल्सो सोन इन द पोएम इन द लाइन, यू सी द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. वेडिंग बैंड आज भी बैंड फाउंडेशन, अंकल का फाउंडेशन है. ये मत, ये डोंट डू, डूज एंड डोंट्स, ये मत करो, ये करो, ये दिस, उसको मैसिव वेट कह रहे हैं. ये मैसिव वेट जो मेल्स के द्वारा फीमेल्स को दिए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं. सिट्स हैवली अपॉन आंट जैनफर्स, आज भी उनके हाथों पर इसका असर है, मतलब एक सुई तक नहीं निकल पा रही. वही आंट जैनफर हैज बिकम सो वीक एंड सो फियरफुल, इतनी हो गई हैं, इतनी वीक हो गई हैं कि यहाँ पर आज उनकी कंडीशन वेरी वेरी बैड हो गई है. यू कैन इमेजिन कि जिससे सुई नहीं उठ रही है, जो नीडल को पुल नहीं कर पा रही है, यू कैन इमेजिन व्हाट इज द प्लाइट ऑफ ए वुमन इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक वुमन की कंडीशन क्या हो. आज भी देखिए बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा हमको देखने को मिलता है. लास्ट पैराग्राफ,
When aunt is dead, aunt to gai, aunt finish, aunt is expired, died. Her terrified hands will lie still ringed with audience she was mastered by. तब भी उसके भयभीत terrified hands जो हैं ये बताते हैं कि still ringed with audience माने ring उसके हाथ जो विवाह उसकी अंगूठी जो पहने हुए आज भी वो अंगूठी उनके हाथ में दिखाई जा रही है. मतलब ऐसा बंधन है कि मरने के बाद भी ये शोध कर रहा है कि किसके द्वारा वो मास्टर्ड कंट्रोल्ड की गई, कैसे वो मास्टर्ड की गई, वो कितनी टेरिफाइड स्केयर्ड और थ्रेटेंड लाइफ उसने लीड किया अपनी होल लाइफ को. द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. लेकिन यहां पर आंट कह रही है, अब यहां टाइगर्स के जरिए वो अपनी इनर फीलिंग्स को शो करते हुए कहती हैं कि आंट टाइगर्स, आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं दे आर नॉट लाइक आंट जेनिफर, वह आंट जेनिफर की तरह नहीं है. दे आर फ्री एंड दे आर प्राउड, दे आर अनअफ्रेड, दे आर फियरलेस, विद गैलेंट्री दे आर लीडिंग देयर लाइफ एंड proudly they are moving, they are prancing, they are jumping, they are dancing, they are whatever they are, they want, they are doing. Tigers are doing what they want. मतलब खुद आंट ने बहुत सफर किया, इंसल्ट उसने फेस किया, उसको बियर किया, टॉलरेट किया, लेकिन आंट जेनिफर्स के टाइगर्स ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं ये उसकी इनर फीलिंग्स एंड इमोशंस को शो करते हुए टाइगर्स हैं जो यहां पर आपकी पोएम में एंड कर जाती है. वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी मोटिवेशनल है, इसका बहुत बड़ा मैसेज है हमारे सोसाइटी में, हमारे सबके लिए है कि एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वीमेन स्पेसिफिकली बिटवीन द इम्पल्स टू फ्रीडम एंड इमेजिनेशन. आंट जेनिफर वॉन्ट्स ए लाइफ दैट सी एम्ब्रॉयडर्स ऑन द पैनल. She wants a colorful, vibrant life which every woman should have the power to create. मतलब कहने का मतलब है कि ये जो एक वूमन की फीलिंग्स होती हैं उसको क्या वो हाउस होल्ड वर्क्स में ही अपनी लाइफ समाप्त कर दे? नहीं, ऐसा नहीं. उसके भी अंदर फीलिंग्स होती हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं, कहीं ना कहीं उसको फील करने के उसको भी आगे आने की जरूरत है. ये इस पोएम में बताया गया कि एक औरत की भी अपनी स्वयं की लाइफ होती है, वो भी कुछ करना चाहती है, वो भी नेम एंड फेम चाहती है, ना कि वो अब्यूजेस इंसल्ट्स एंड दिस थिंग्स आर दैट आर गिवन टू ए वूमन बाय ए मैन. ये सब चीज़ें नहीं कि एक आदमी को जो परोसा जाता है उसके इंसल्ट्स अब्यूजेस टॉर्चर्स ये सब नहीं चीज़ें हैं. एक औरत की अलग भी जिंदगी होती है. ये पोएम यही मैसेज देती है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. और हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही हमारे शास्त्र और वेद में तो बातें कही गई है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं. हाँ, जहाँ पर नारियों की पूजा, वेयर देयर वीमेन आर वर्शिप्ड, दे आर रेस्पेक्टेड, इवन द गॉड्स रिसाइड देयर, भगवान भी वहीं पर निवास करते हैं. हमारे यहाँ की ये कल्पना की गई है, इवन गॉड्स रिसाइड देयर, ड्वेल देयर. तो जहाँ पर हम नारियों को रेस्पेक्ट करें और उनको करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है. और जितना हम रेस्पेक्ट करेंगे उतना हम रेस्पेक्ट पाते हैं और हमारी सोसाइटी भी उतनी ही रेस्पेक्टेड एंड सिविलाइज्ड मानी जाती है. तो एक रेस्पेक्टेड सोसाइटी के लिए, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रेस्पेक्ट ऑल द वीमेन ऑफ द वर्ल्ड. दे शुड नॉट फील या दे शुड नॉट बी लाइक आंट जेनिफर्स. तो आप अपना बताइएगा कि आपके घर में भाई कोई आंट जेनिफर तो नहीं है, आपके पापा, आपके कोई ब्रदर, आप कोई आपको इस तरह से किसी वूमन को टॉर्चर तो नहीं करते कि उसके अंदर कुछ फीलिंग्स हो और उसको स्टॉप किया जा रहा, रोका जा रहा हो. तो ये थी पोएम. इस पोएम में हम और भी, अब देखिए अगर इसके फिगर्स ऑफ स्पीच को हम देखें तो इसमें फिंगर फ्लटरिंग एफ रिपीट किया गया है, तो एलिट्रेशन है. फिंगर फ्लटरिंग मैंने कहा ना, उंगलियां कांप रही हैं. प्रांसिंग प्राउड, P
भी रिपीट किया गया है, एलिट्रेशन है यहाँ पर। एनाफोरा कहाँ है भाई, यूज ऑफ सेम वर्ड इन टू कंसेक्यूटिव लाइंस, जैसे दे डू नॉट एंड दे पे सिन, सेम वर्ड यूज किए जा रहे हैं, एनाफोरा है यहाँ पर। मेटाफर यूज किया गया है, यूज ऑफ टोपास टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर्स। अब येलो कलर टाइगर्स के बताने के लिए वहां पर उसने टोपास का प्रयोग किया है, एक प्रेशियस स्टोन का प्रयोग किया, दिस इज अ मेटाफर, यूज ऑफ मेटाफर। और राइम स्कीम जो है पोएम की ए ए बी बी है, यानी ए ए बी बी, सेकेंड स्टैंजा में जो है सी सी डी डी और थर्ड में ई ई एफ एफ, ये है राइम स्कीम। फर्स्ट स्टैंजा में ए ए बी बी, यानी सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन सेकेंड से, थर्ड लाइन फोर्थ से, वैसे ही आप सेकेंड स्टैंजा पाएंगे थर्ड लाइन फोर्थ से, और इसकी जो है सिक्स लाइन सेवन्थ एट्थ से, सेवन्थ से, और ये जो है लास्ट में आप देखेंगे एट्थ नाइन्थ से, और टेंथ जाके आपको ट्वेल्थ वाले से, इलेवेंथ ट्वेल्थ से मिलेगी। तो चार चार लाइन के ये जो पोएम है आपकी यहाँ पर बताई गई है, इसमें जो स्टेंजा वाली, हाँ ये है स्टेंजा राइम, अगर आप देखेंगे ये स्टेंजा वन में ए ए बी बी, टू में है सी सी डी डी और थ्री में है ई ई एफ एफ, फोर लाइंस का यहाँ, फोर लाइंस का यहाँ, फोर लाइंस का यहाँ, एंड टोटल टेन लाइंस। इस लाइन में कहीं ना कहीं इस पोएम में बहुत बड़ा मैसेज भी है, बहुत मोटिवेशनल पोएम है, बहुत ही है। और द प्लाइट ऑफ मैरिड वुमन इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट हियर, इसकी थीम ही यही है, द प्लाइट ऑफ मैरिड वुमन इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट, द डोमिनेंस ऑफ मैन ओवर मैन इज शोन हियर इन द पोएम। तो इसमें हम लोग अगर इसको एक इक्वलिटी लाएं सोसाइटी में, यही इसका मैसेज है, ब्रिंग ए ट्राई टू ब्रिंग एन इक्वालिटी इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली, वेयर एवर यू लिव, वेयर एवर यू रिसाइड आर ड्वेल, दैट इज द मैसेज, दैट इज द बिग मैसेज ऑफ दिस पोएम। तो ये पोएम है, आई होप कि आप इसको इंजॉय करेंगे, और इसका सेंट्रल आइडिया आई विल टेल यू लेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स, एंड इसका MCQs भी लेटर आई विल डिस्क्राइब। टिल देन आप इसको इंजॉय करिए, खूब अच्छे से इंजॉय करिए, यही मेरी बेस्ट विशेज हैं, और अपनी स्टडी को कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।